हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पार्टी मेकअप लुक जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बिगनर्स ही कमेंट्स करती हैं ज़्यादा कि मैम पार्टी मेकअप लुक बताइए। तो बिगनर्स, आप वीडियो देख रही होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ। बेसिक टू एडवांस मेकअप आप लोगों को सिखाती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आप वीडियो देखिए और मेकअप सीखिए। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी पार्टी मेकअप लुक, जिसे करना बहुत ही आसान है। बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगी। बिगनर्स, टीनेजर्स एंड कॉलेज गोइंग गर्ल, ऑफिस गोइंग गर्ल इजीली इसे कर सकती हैं और सीख सकती हैं। तो चलिए, वीडियो को लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किन को अच्छे से प्रेप करने के बाद आपको मेकअप स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको लगाना है प्राइमर। प्राइमर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ये मेकअप को होल्ड करके रखता है, जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये स्किन के टेक्सचर को स्मूथ आउट करता है, जिससे आपका मेकअप फ्लॉलेस होता है। उसके बाद कलर करेक्टर यूज़ करना है अगर नीड है तो। अगर स्किन प्रॉब्लम है, डार्कनेस है, तो यहाँ पे आपको डार्क कलर का कंसीलर यूज़ करना है एरिया को हाइड करने के लिए। अगर नहीं है तो आपको स्किप करना है। उसके बाद फाउंडेशन लेना है। फाउंडेशन अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले, फेयर है तो फेयर टोन का और डस्की है तो डस्की टोन का आपको फाउंडेशन लेना है। ज़्यादा नहीं, वन पफ लेना है। लेने के बाद आपको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई करनी है। अप्लाई हो जाए उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से प्रॉपरली आपको ब्लेंडिंग करनी है। कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। नेक पे भी लगानी है, ईयर्स पे भी लगानी है। अगर कहीं छूट जाएगा तो अनइवन लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक पे भी आप अच्छे से लगाए, अच्छे से ब्लेंड करें। उसके बाद कंसीलर यूज़ करेंगे अपने स्किन टोन से, फेयर कंसीलर जो आपके एरिया को हाईलाइट करेगा। अंडर आइज एरिया, फॉरहेड, नोज एरिया और चिन एरिया पे लगाएंगे ये एरिया को हाईलाइट करने के लिए। लगाने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। अच्छे से होने के बाद आपको अब क्या करना है, लिक्विड ब्लशर यूज़ करना है। यहाँ पे आपको लेना है और चिक पे और नोज़ पे अप्लाई करनी है। देन ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है ब्लशर तो आप ज़्यादा ले सकती हैं। मुझे कम पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे कम ले रही हूँ। और लेने के बाद मैंने अच्छे से कर लिया। उसके बाद लिक्विड हाइलाइटर आपको यूज़ करनी है। इससे क्या होगा ना कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आप पार्टी मेकअप कर रहे हो तो मेकअप तो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए ना, तो इसलिए लिक्विड प्रोडक्ट और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट आपको ज़रूर यूज़ करना है, ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे। अब होने के बाद जब क्रीम प्रोसेस जो हो गई, उसके बाद आपको मेकअप को सेट करना है लूज़ पाउडर से। अब लूज़ पाउडर से जब सेट कर लिए तो आपको पाउडर फॉर्म जो है प्रोडक्ट यूज़ करना है, जैसे पाउडर ब्लशर, पाउडर हाइलाइटर आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैं पाउडर ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद पाउडर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से होने के बाद अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी। इससे क्या होगा, बेस मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका बेस मेकअप हो गया है, ये कंप्लीटेड हो गया है। यू कैन सी, आप देख सकते हो कितना परफेक्ट हुआ है, कितना फ्लॉलेस हुआ है। अब चलते हैं आई मेकअप में। आई मेकअप में सबसे पहले आपको लगाना है कंसीलर, जो आपकी स्किन टोन से लाइट कंसीलर होगा। इससे क्या होता है ना कि आई मेकअप बहुत अच्छे से विजिबल होता है, अच्छे से डिफाइन होता है। उसके बाद ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करनी है, फिर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करनी है। उसके बाद आपको लेना है लूज पाउडर से अच्छे से सेट कर लेनी है। उसके बाद आपको न्यूड कलर का पिंक मैट आई शेडो लेनी है और पूरे आई लीड पे अच्छे तरीके से प्रॉपरली आपको ब्लेंडिंग करनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। तो उसके बाद डार्क कलर का आपको पिंक मैट आई शेडो लेनी है और आईज़ के आउटर कॉर्नर पे आपको अप्लाई करनी है। एक बात का ध्यान रखिए, आई मेकअप में आउटर कॉर्नर में डार्क शेड होता है और इनर कॉर्नर में आपका लाइट शेड होता है। उसके बाद आपको लेना सिल्वर कलर का सीमर मैट आई शेडो और आईज़ के इनर कॉर्नर पे आपको अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आपको मिड पॉइंट तक लेके आना है आई लीड के, और एक फ्लफी ब्रश से अच्छे से आपको ब्लेंडिंग कर देनी है। इससे क्या होगा, कोई हार्श लाइन नहीं दिखेगा, आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा, देख रहे हो। उसके बाद हाईलाइट करना है, आईब्रो बोन को करेंगे और आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। इससे क्या होता है ना, आई मेकअप ब्राइटन दिखता है। तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये जो है स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद क्या करना है, मैट आई शेडो था ना पिंक कलर का, वो आपको वाटर लाइन के नीचे लगानी है, स्मच करनी है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको काजल लगानी है, उसके बाद लगाना है आपको लाइनर, उसके बाद लगाएंगे मस्करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आईलैशेस का फुलर दिखाता है और आई जो मेकअप है बहुत नेचुरल लगती है। उसके बाद मेकअप फिक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए।
तो मेकअप फिक्सर कभी भी स्किप नहीं करना आपको। यू कैन सी, आप देख सकते हो फाइनल लुक कितना अच्छा मेकअप हुआ है, कितना फ्लॉलेस, कितना फ्रेश मेकअप हुआ है। ये मेकअप आप पार्टी के लिए कर सकती हैं, आप बिगनर्स हो, टीनेजर्स हो, हाउसवाइफ हो, आप ये मेकअप अचीव कर सकती हैं, सीख सकती हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सीख पाओगे, तो प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। और जहाँ पे कन्फ्यूज़न है, आप डाउट है, आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। और मेकअप आपके सामने आप देख सकती हैं, मेकअप कितना परफेक्ट हुआ है और कितना फ्लॉलेस हुआ है, कितना फ्रेश मेकअप हुआ है। आप ये मेकअप क्रिएट कीजिए और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेकअप ये कैसा लगा। बाय। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आप मेकअप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाई होंगी, सीख पाई होंगी। बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप मैंने बताया है, जिसे करना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हो। तो मैं आप लोगों के लिए मेकअप से रिलेटेड वीडियो लेकर आती हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप वीडियो को देख कर सीख पाए। मेकअप से रिलेटेड कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, कौन सा टॉपिक पे, तो उस टॉपिक आप कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेकअप सिखाती हूँ, बेसिक टू एडवांस आप मेकअप वीडियो देखिए और सीखिए। और मेकअप आपको जल्दी सीखना है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप मेकअप सीख पाओगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का। बाय बाय, take care।